बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि भाजपा की महिला नेता अपने पतियों को पीएम मोदी के करीबी से भी घबराती हैं। उनका कहना है कि उन महिलाओं को डर है कि कहीं पीएम मोदी उन्हें भी उनकी पत्नी की तरह अपने पतियों से अलग न करवा दें। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक मायावती ने कहा, मुझे तो यह भी मालूम चला है कि भाजपा में खासकर विवाहित महिलाएं अपने आदमियों को श्री मोदी के नजदीक जाते देखकर यह सोचकर भी काफी घबराती रहती हैं कि कहीं यह मोदी अपनी औरत की तरह हमें भी अपने पति से अलग न करवा दे। अलवर गैंगरेप मामले पर भी मायावती ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अलवर गैंगरेप वाले मामले पर भी चुप्पी साधी हुई थी, वह इस मुद्दे पर भी गंदी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। यह बेहद शर्मनाक बात है। वह कैसे किसी की बहन बेटी और पत्नी की इज्जत कर सकते हैं जब राजनीतिक फायदे के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को ही छोड़ दिया हो। माया के इस हमले पर मोदी ने पलटवार किया और मायावती के परिवार पर निशाना साधते हुए प्रश्न किया कि आखिर बीजेपी से इतनी घृणा क्यों? क्या इसलिए कि उन्होंने अपने परिवार से ज्यादा देश को अपना परिवार माना है? जिस पर मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि नरेंद्र मोदी पहले अलवर दलित महिला उत्पीड़न घटना को लेकर चुप थे, लेकिन उनके बोलने के तुरंत बाद से इसकी आड़ में अपने घृणित राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पीएम मोदी ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि उन्हें चुनावी पार्टी को फायदा हो सके। यह बेहद शर्मनाक बात है। दूसरों की बहू बेटी की इज्जत कैसे कर सकते हैं जब अपनी ही बेकसूर पत्नी को छोड़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।